तो अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी का ट्रेलर आज आ चुका है। वैसे ये मूवी भी रीमेक ही है, तो चलो बॉयकॉट वालों लग जाओ काम पर। तो खैर बात करते हैं सेल्फी मूवी की, जो रीमेक है ड्राइविंग लाइसेंस का। और ये एक मलयालम मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था जेन पौल लाल ने। और ये जो रीमेक मूवी है सेल्फी, इसे डायरेक्ट कर रहे राज मेहता, जिन्होंने गुड न्यूज और जुग जुग जियो जैसे मूवीज को डायरेक्ट किया है। कहने को तो ये एक रीमेक मूवी है, लेकिन इसका ओरिजिनल वर्जन मैंने नहीं देखा है, इसलिए इस मूवी की स्टोरी मुझे नहीं पता। तो जो स्टोरी हमें इस मूवी का ट्रेलर देखकर समझ में आ रही है, अब हम वो आपको बताते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अक्षय कुमार यानी विजय कुमार एक सुपरस्टार है और आरटीओ ऑफिसर और उसका बेटा इस विजय कुमार के फैंस है। और यहाँ पर आरटीओ ऑफिसर इमरान हाशमी है। अब वो आरटीओ ऑफिसर और उसका बेटा ये दोनों विजय कुमार के साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। अब ये जो विजय कुमार है इसे एक्टिंग करने के साथ साथ गाड़ी चलाना भी पसंद है, लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है। और आपको तो पता ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विजय कुमार इन टेस्ट को देने के लिए इनकार करता है क्योंकि उसे डायरेक्ट लाइसेंस चाहिए। अब ओम प्रकाश अग्रवाल यानी वो आरटीओ ऑफिसर विजय कुमार को लाइसेंस देता है या नहीं, हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। अब ट्रेलर के स्टार्टिंग में जब अक्षय कुमार किसी मूवी के लिए एक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो उन्होंने एक्टिंग की है वो मुझे ओवर एक्टिंग लगी। और इसी बीच इस ट्रेलर में हमें मृणाल ठाकुर का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है। और इस मूवी में हमें अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, नुसरत भरूचा और डायना पेंटी भी देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की एक अच्छी खासी कास्ट है। तो अक्षय कुमार की इस मूवी से पहले राम सेतु मूवी आई थी और इमरान हाशमी की लास्ट मूवी मुंबई सागा थी। और मुझे काफी अच्छा लगा कि राज मेहता ने इन दोनों को एक ही मूवी में कास्ट किया। और मुझे खुशी हो रही है बॉयकॉट करने वाले लोगों को बताते हुए कि इस मूवी के जो सॉन्ग है उसको भी रीमेक किया गया है। यानी बॉलीवुड ने ठान रखी है कि हम तो मूवी का रीमेक करेंगे ही, साथ में सॉन्ग्स का भी रीमेक करेंगे। लेकिन एट दी एंड ये मूवी रीमेक है, तो क्या आप इस मूवी को देखोगे, ये तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। ओवरऑल इस मूवी का ट्रेलर बढ़िया था। वैसे ही ये मूवी रिलीज होने वाली है 24 फरवरी को। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।